बस बस बस, इमली उस फाउंडेशन और कंसीलर से कुछ नहीं होने वाला है। मुल्तानी मिट्टी की ठंडक से तुझे तुरंत आराम मिल जाएगा। इंदी, मुझे पता है तू जीने से बहुत प्यार करती है। मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने फायदे के लिए तुझे यूज करती है। नहीं बुआ, चीनी दी को हमारी नहीं, हमें चीनी दी की जरूरत है। फिर भी गलती वो करती है और माँ की डांट तुझे पड़ती है। नया सामान तुझे चाहिए होता और मिलता उसे, लड़का देखने तुझे आ रहा है और चमक वो रही है। चमकता तो सूरज है बुआ, चांद पर तो बस उसकी रोशनी पड़ती है, और हमारे जीवन का सूरज चीनी दी है। अगर चीनी दी को हमारी फिक्र नहीं होती तो वो हमें पार्लर क्यों ले जाते? आप ही सोचिए ना बुआ, वो हमसे बड़ी है, हमसे पहले उनकी शादी होनी चाहिए, फिर भी वो हमारा इतना साथ दे रही है क्योंकि वो हमसे प्यार करती है। ऑफ कोर्स आई लव हर बुआ, तभी तो उसके लिए आइस क्यूब्स भी लेके जा रही हूँ। लेकिन आप सब सिर्फ उससे ही प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। तभी तो उसकी हर जरूरत उसके मांगने से पहले पूरी की जाती है, पर मुझे क्या चाहिए मुझसे कोई पूछता भी नहीं। तुझे क्या चाहिए मुझे बोलना बेटू, हम ला के देंगे तुझे। मेरी मलिया और हीरो जी, वो दोनों थे तो मेरी भी एक फैमिली थी, वो दोनों थे तो सच में मुझे अपनी बड़ी बेटी मानते थे, पर अब वो नहीं है। कभी कभी लगता है नानी का गुस्सा ही सही है। उस दिन इमली का नामकरण ना होता तो हम उस स्टुपिड पंडाल जाते ही नहीं। हाँ, गए तो हम सब साथ में थे, पर वापस मैं अकेली आई बुआ। आई नो इमली की गलती नहीं है, मेरी भी कोई गलती नहीं है ना बुआ। मैंने उससे आज तक उसका कुछ नहीं छीना बुआ, ना सब कुछ खोके भी उसे ही देती रहूं। चीनी इतनी भी स्वीट नहीं है। मैं जानती हूँ इमली और आर्यन के जाने के बाद सबसे ज्यादा अकेली तू ही पड़ गई है चीनी, लेकिन छोटी इमली में अपनी मलिया की झलक ढूंढ लेना जैसे हमने ढूंढ ली। फिर तुम दोनों बहनें हमेशा खुश रहोगी। तुझे तो हर हाल में खुश रहना आता है, तुझे तो लगता है दुनिया में हर इंसान सही है, लेकिन दुनिया में हर कोई सही नहीं होता। दुनिया भर की सोच ले, इतनी बड़ी दुनिया है ही नहीं हमारी बुआ, और बुरा तो कोई भी हो सकता है, पर चीनी दी का हमारे साथ बुरा बनने की नौबत ही हम आने नहीं देंगे। जरूरत पड़ने पे हम उन्हें अपना सब कुछ दे सकते हैं, चाहे वो हमें कितना भी प्यारा हो। अर्पिता जी, इमली को लेकर नीचे आ जाइए, माँ जी ने बुलाया है। मेरी अभी रुद्र भाई साहब से बात हुई है, उन्होंने बताया कि उनके बेटे की कार खराब हो गई थी इसलिए वो घर नहीं आ पाया। उसने रास्ते में इमली को कहीं देखकर पसंद कर लिया है। एक बात और, मैंने भी इस शादी के लिए हमारी रजामंदी दे दी है। रजामंदी दे दी है मतलब? इमली ने उसे देखा तक नहीं, देखा होता तो कम से कम हमें तो बताती ना। माँ, उस लड़के ने अगर इमली को देख भी लिया तो इमली ने तो उसे नहीं देखा है ना, हम में से किसी ने नहीं देखा, ऐसे कैसे हाँ कह दें? इतना टेंशन क्यों ले रही हैं आप? अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। रुद्र अंकल ने हमको फोटो भेजी लड़के की, अरे अरे खोलने तो दीजिए, ये लीजिए। अरे खुद ही देखती रहेंगी कि उसको भी दिखाएंगी? दिखा ना। देख। अरे आप लोग क्या फोटो देख के स्माइल्स पास कर रहे हैं? सड़क पे चलती लड़कियों को लोफर्स देखते हैं, शरीफ घर के लड़के नहीं। आई एम टेलिंग यू, पक्का उस लड़के में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी,
तभी वो लोग उसे क्लियरेंस सेल की तरह निकालने पे तुले हुए। इमली, तू उसे हाँ नहीं कहेगी। वो लोग फोटो भेज के प्रूफ क्या करना चाहते हैं? एक फोटो से किसी का सच पता चलता है क्या? यार वो गाना है जो बजता तो गुफर पर है पर उसकी बीट यहाँ सुनाई देती है। आइस लगा, ठीक हो जाएगा। ये तस्वीर सच्ची दिखा रही थी। बंदर फूफा, हमें रिश्ता मंजूर है। दिखा, जरा देखूं तो कैसे शर्मा रही है छोटी छिपकली। अरे इमली, सच में तुझे लड़का पसंद है ना? ओह गॉड, तो अपनी जोड़ी को किसी की नजर ना लग जाए। तुम्हारे सोचने से पहले ना तुम्हारे सारे सपने सच कर सकता हूँ मैं। तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। मैं ना तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट करा दूंगी। योर जस्टिस सड़क छाप डीजे। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? ये चीजी बॉय स्टॉकर टाइप सड़क छाप डीजे ऑटो राणा का बेटा अथर्व राणा निकला।